हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके नॉलेज चैनल। मैं प्रेम सर फ्रॉम आरके क्लासेस। आप 12th स्टैंडर्ड रिटायरमेंट चैप्टर बीके के अंतर्गत रिटायरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 179 पर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पार्टनर है पहले से जया, माया एंड ममता। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3-3-2, जिसमें से रिटायर होने वाली है ममता। ममता यहां पर रिटायर होगी, करेक्ट स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा गया है। जर्नल एंट्री हम नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। आज हम इस क्वेश्चन का लेजर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखिए क्या दिया हुआ है। एसेट साइड हम पहले पास करते हैं बैंक को। बैंक 21600, हमने बैंक अकाउंट बनाया है तो यहां पर लिखेंगे 21600 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। नेक्स्ट है डेटर्स। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी है 34800। प्लांट एंड मशीनरी 34800। नेक्स्ट डेटर्स है 50,000। डेटर्स 50,000। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक 25,200। लाइव स्टॉक मतलब जीवित प्राणियों का संग्रह। जीवित प्राणियों का, जैसे घोड़ा हुआ, हाथी हुआ, बकरी है, ये लोग पालते हैं तो उसे कहते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक 25,200। ओके, देन इक्विपमेंट 16,000। इक्विपमेंट भी हमारा एसेट्स है। इक्विपमेंट दे सेड 16,000। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दे सेड 48,000। स्टूडेंट एसेट्स हमने खत्म कर दिया। एसेट्स देख लीजिए, सब एसेट्स एसेट्स में है। बैंक बैलेंस बैंक के डेबिट साइड में दिखाया गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 34,400। क्रेडिटर्स 34,400। देन बिल्स पेएबल 9,200। बिल्स पेएबल 9,200। देन कैपिटल ऑफ जया, माया एंड ममता बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। जया 48,000, माया 52,000 एंड ममता 36,000, करेक्ट। नाउ वी आर गिवन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व यू विल शेयर। जनरल रिजर्व वी आर शेयरिंग इन द रेशियो 3-3-2। द रेशियो इज 3-3-2। द अमाउंट दे गिवन 16,000। स्टूडेंट 16,000 को कितने से डिवाइड करोगे? 3 and 3 6, 6 and 2 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए तो 2000। 2000 इंटू 3 6,000, 2,000 into 3, 6,000, 2,000 into 2, 4,000, total 16,000, 16,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में फर्स्ट इन लोगों ने कहा है एसेट्स टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। लाइव स्टॉक 24,000। लाइव स्टॉक का वैल्यू 24,000 हो गया है। 24,000
लेस करेंगे 1200 लेस डेप्रिसिएशन, हियर वी आर राइटिंग डेप्रिसिएशन टू लाइव स्टॉक, द अमाउंट इज 1200 करेक्ट। नेक्स्ट मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी 32,000, प्लांट एंड मशीनरी 32,000, सो लेस 2,800 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 2,800, डेप्रिसिएशन इज लॉस डेबिट साइड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2,800। नेक्स्ट दे आर सेइंग इक्विपमेंट 16,800, 16,800 मींस एप्रिसिएशन, सो एड एप्रिसिएशन, एड इज 800 करेक्ट, सो एडिशन इज प्रॉफिट फॉर अस क्रेडिट साइड इक्विपमेंट अकाउंट 800। Then they said an item of 400 from creditors is no longer a liability, मतलब 400 का कोई एलिमेंट हमने परचेस किया था, आइटम परचेस किया था, अब उसका पेमेंट नहीं करना है, दैट मीन्स सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दे दिया होगा तो हम उसे लेस कर देंगे, लेस रिटर्न ऑफ, खत्म किया जा रहा है, इतना पे करने की जरूरत नहीं है, इतना 400 पे करने की जरूरत नहीं है, नहीं पे करना पड़ेगा मतलब खुशी की बात है, प्रॉफिट है हमारे लिए, सो क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स द अमाउंट इज 400। नेक्स्ट मिस्टर राम और कस्टमर मे और मे नॉट बी एबल टू पे हिज डेट ऑफ रुपीज 2000। तो हमारे एक ग्राहक हैं, डेटर हैं राम, जो अपना अमाउंट 2000 भविष्य में पे कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा हमें डाउट है, शक है, तो अगर आपको शक है तो इसी शक को हम बीके के लैंग्वेज में आरडीडी कहते हैं, 2000 का भरोसा नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो आरडीडी दिखाया जाएगा 2000, ये न्यू आरडीडी है डेबिट साइड में आएगा, टू आरडीडी अकाउंट द अमाउंट इज 2000। नेक्स्ट द अमाउंट ड्यू टू ममता बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट, ममता को जो भी पेमेंट करना है वो अब उसके लोन में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जरा भी कैश हम उसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो चलिए बंद करते हैं, बंद करते टाइम जिस साइड बड़ा होगा पहले उसे प्लस किया जाएगा, देख लीजिए किस साइड बड़ा अमाउंट है 6000 ट्रांसफर कीजिए, 6000 में से ये माइनस कीजिए 1200, तो 4800 ये कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट होगा, ये इन्हें लॉस हुआ है, लॉस जया माया एंड ममता के लिए, स्टूडेंट्स लेस किया जाए सॉरी डिवाइड किया जाए 3, 3, 2 में, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 600 आएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 मींस 1800, तो 1800 जया, 1800 माया और 6 2 12, 1200 और ममता, तो ये हमने 1800, 1800, 1200 डिवाइड कर दिया, अब ये क्रेडिट से डेबिट साइड में शिफ्ट होगा, ध्यान से क्रेडिट से डेबिट में जाना चाहिए, करेक्ट स्टूडेंट्स, ये अमाउंट मैं क्लियर लिख देता हूं, जया के लिए 1800, माया के लिए 1800 और ममता के लिए 1200, इसे प्लस करेंगे तो आपका 48,000 आएगा, 4800 आएगा, क्रेडिट से डेबिट में शिफ्ट किया जाए
टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जया के लिए 1800, माया के लिए 1800 और ममता के लिए 1200। ठीक है, चलिए अब इसे भी बंद कीजिए। रिटायरिंग पार्टनर ममता है, पहले इसे प्लस कीजिए 40,000 उसका बनता है, लेकिन पहले से ही 1200 वो नुकसान करा चुकी है, तो अब उसे देना होगा 38,800। तो ये उसे देना है, लेकिन अभी हम नहीं दे रहे हैं, लोन में हमें शो करना है, तो यहाँ लोन दिखाया जाएगा। ये जब मांगेगी वो बाद में हमें देना पड़ेगा, तो हमारे सर पे कर्ज है, लायबिलिटी में शिफ्ट किया जाएगा। लोन फ्रॉम ममता द अमाउंट इज 38,800। ठीक है, दूसरे पार्टनर्स भी क्लोज कीजिए 54,000 यहां लिया गया और 58,000 यहां पर, इसमें से 1800 माइनस कर दीजिए, 1800 माइनस करने पर 56,200 आएगा। ठीक है ना, करेक्ट, यहां पर 52,200 करेक्ट। नाउ ये बैलेंस कहलाएंगे, यहां लिखा जाएगा टू बैलेंस क्लोज डाउन या कैरेट डाउन, यहां पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन है, जया और माया, ये लोग रहेंगे। ममता रिटायर हो चुकी है, यहां पर 52,200 एंड 56,200 करेक्ट। इसे भी बंद कर लीजिए, हमारे पास बैंक बैलेंस 21,600 था, कोई अप एंड डाउन नहीं, कोई लेन देन नहीं बैंक से, तो उतना ही बैलेंस अभी भी बचा रहेगा बैंक में। बाय बैलेंस क्लोज डाउन, ये क्रेडिट से डेबिट में शिफ्ट कर लीजिए। बैंक अकाउंट सेम 21,600। ठीक है, चलिए अब इसे भी बंद करके खत्म किया जाए। 1,08,400 इसका प्लस करने पर आ रहा है, यहां माइनस कीजिए 34,000, यहां ऐसे बाहर निकाल दीजिए 9,200। अब इसे सावधानी से प्लस कीजिए, 400, 200, 600, 600 और 800, 1400 बचेगा एक, तो 9, 9 और 4, 13, 13 और 9, 22, 22 और 8, 30 बचेगा 3, तो 3 and 3, 6, 6 and 3, 9 बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, 1,90,400 यहां पर भी वही अमाउंट आना चाहिए, 48,000 यहां पर इन्वेस्टमेंट बाहर निकाला जाए, 48,000 चलिए क्लियर कीजिए इसे, 8 and 6, 14 बचता है एक, तो 3 और 8, 11, 11 और 10, 21, 21 और 9, 30 बचेगा 3, तो 6, 6 4, 10, 10 और 2, 12, 13, 13 और 6, 19, 19। इस तरह से 1,90,400 पर ये क्वेश्चन टैली हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।